ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल CBSE दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। शुक्रवार की शाम को एक हृदय विदारक घटना में कप्तानगंज थाना क्षेत्र के परसम्मनपुर गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में 5 बच्चे आ गए, जिनमें से 3 बुरी तरह से झुलस गए तो वहीं 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। एक के मामूली घायल होने पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे छोड़ दिया गया। वहीं 2 में से 1 बच्चे की अति गंभीर हालत को देखते हुए उसे लखनऊ के लिए रेफर करना पड़ा। हादसे में पशुधन की भी क्षति हुई है। आपको बता दें कि गांव के लगभग आधा दर्जन बच्चे जानवरों को चारा खिलाने के लिए पास के सिवान में गए हुए थे। उसी दौरान घनघोर बारिश से बचने के लिए वे पास के ही एक झोपड़ी में छुप गए। यहीं वे आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। 17 साल की काजल और 11 साल के करण की मौके पर ही मौत हो गई। 7 वर्षीय हिमांशु, 10 वर्षीय पृथ्वी को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। 7 वर्षीय हिमांशु की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे लखनऊ के लिए रेफर किया। 2 बच्चे, नाम था हिमांशु जिसकी उम्र 7 वर्ष थी, और एक बच्चा ये पृथ्वी जिसकी उम्र 10 साल की है। दोनों आकाशीय बिजली से आहत होकर के जिला चिकित्सालय के इमरजेंसी में आए थे। हिमांशु की हालत थोड़ा सीरियस थी। प्राथमिक उपचार के बाद उसको जो है लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है, और पृथ्वी की हालत ठीक है। वो होश में है, खा पी रहा है, चल फिर रहा है, अस्थायी तौर पर है। हाँ, विश्व सूत्रों से पता लगा है कि दुर्घटना गांव पर समनपुर चौबेपुर करके है, ये कप्तानगंज थाने में आता है। वहाँ पे 2 कैजुअल्टीज हुई हैं, जिसमें एक काजल नाम की लड़की है 17-18 साल की, और एक करण नाम का बच्चा है। पता लगा है कि इनकी मौके पे ही मौत हो गई। हादसे से पूरे क्षेत्र में मातम फैल गया है। घटना के बाद से गाँव के घर, चूल्हे सभी शांत पड़े हुए हैं। काफी बिजली गिरी थी, जिसमें 2 लोग एक्सपायर कर गए हैं तत्काल, और एक भर्ती है और एक चले गए घर, और एक सीरियस गया है लखनऊ। लखनऊ के लिए सीरियस हुआ है? नहीं, लखनऊ गए, यहाँ से रिफर हुए वहाँ गया। हाँ, PGI। तो क्या हालत है इनकी? इनकी हालत तो ज़्यादा सीरियस है, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। हाँ, डॉक्टर साहब बताए। ये कब की घटना है? आज शाम 4 बजे। 4:30 बजे। पहले तो एट फर्स्ट वहीं अपने नज़दीकी हॉस्पिटल डॉक्टर दिनेश राय के यहाँ कप्तानगंज में गए, उसके बाद हम लोग जो है फिर सदर के लिए डॉक्टर साहब रेफर कर दिए, और वो बाकी थाने पे लेके गए। 2 एक्सपायर हो चुके हैं, जो दोनों लोग एक्सपायर हुए हैं।
जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में CBSE एवं ICSE बोर्ड के प्रबंधकगण व प्रधानाचार्य के साथ स्वास्थ्य शिक्षा, बालिका सुरक्षा, यातायात जागरूकता, शुल्क विनियमन अधिनियम 2018 के संबंध में बैठक सम्पन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने CBSE एवं ICSE बोर्ड के प्रधानाचार्यों से कहा कि अपने संबंधित स्कूलों के कक्षावार फीस स्ट्रक्चर को वेबसाइट पर अपलोड करें। इसी के साथ ही उन्होंने बालिका सुरक्षा के संबंध में कहा कि प्रत्येक स्कूलों में छात्राओं की सुरक्षा हेतु वुमेन्स सेल स्थापित होना चाहिए। जिन विद्यालयों में वुमेन्स सेल स्थापित है वो सक्रिय रहे। कहा कि वुमेन्स सेल में जो शिकायतें प्राप्त होती हैं उसका उच्च प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें तथा वुमेन्स सेल के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की रिपोर्ट प्रतिवर्ष जिलाधिकारी के पास भिजवाएं। छात्राओं के स्वयं की सुरक्षा के लिए मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिलवाएं जिससे छात्राएं अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। उन्होंने कहा कि गरीब बच्चों के जो प्रवेश का कोटा है उसके तहत अपने विद्यालयों में गरीब बच्चों को एडमिशन में वरीयता दें। उन्होंने यह भी कहा कि जो सुविधाएं विद्यालय में हम बच्चों को दे रहे हैं उसी के अनुसार बच्चों से फीस लें तथा बच्चों को सुविधाएं उपलब्ध कराएं। जिलाधिकारी ने स्कूलों के बच्चों को ले जाने तथा ले जाने वाले वाहनों में नियुक्त किए गए ड्राइवर और खलासी का लाइसेंस होना चाहिए। कहा कि पुलिस वेरिफिकेशन भी करा लें। वाहनों में सीट के अनुसार ही बच्चों को बैठाएं, सीट से ज़्यादा बच्चों को बैठा कर ना ले जाएं। वाहनों को जो भी साइज अनुमान है उसी के अनुसार ही वाहनों को विद्यालय में रखें। इस अवसर पर ASP जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर वी के शर्मा, BSA देवेंद्र कुमार पांडे सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। ये CBSE और ICSE के प्रधानाचार्यों की बैठक ली गई थी। इसका उद्देश्य यही होता है कि जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं उनके एडमिशन का सवाल हो या जो बच्चे इनके स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं शुल्क नियामक समिति का पालन हो रहा है कि नहीं, पर्यावरण के मुद्दों पर संवेदनशीलता बच्चों में पैदा करना, सोशल इथिक्स के बारे में, बालिकाओं के प्रति सम्मान के विषय में, जितने भी तरह के एक गुण एक विद्यार्थी में या एक इंसान में शुरुआती दौर की नर्चरिंग में शिक्षा पद्धति में होनी चाहिए उसके विषय में चर्चा हुई। और जो वाहन प्रयोग करते हैं उसमें जो नियम कानून है, ट्रैफिक रूल्स के विषय में, बच्चों के विषय में, और जो बालिका सुरक्षा अभियान चल रहा है हमारा उसके विषय में स्पेशली, इन सारे मुद्दों पर मिला के इनसे चर्चा की। विभिन्न कारणों से रिक्त हुए ग्राम प्रधान के 10 पदों पर शनिवार को उपचुनाव संपन्न हुए। 8 जुलाई को मतगणना होगी। उपचुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए संबंधित 44 बूथों पर पोलिंग पार्टियां लगी रहीं, वहीं सुरक्षा व्यवस्था के भी मुकम्मल इंतजाम रहे। जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों के साथ पुलिस महकमा अलर्ट रहा। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि ग्राम प्रधान के रिक्त 12 पदों पर चुनाव होना था, इनमें से 2 सीटों पर निर्विरोध चुनाव हो चुका है। 10 पदों पर 30 प्रत्याशियों के लिए चुनाव किए कराए गए हैं। झमाझम बारिश के बीच सभी जगहों पर वोटरों का उत्साह देखते ही बना। 8 जुलाई को संबंधित ब्लॉक मुख्यालयों पर मतगणना की जाएगी। जिन रिक्त पदों पर चुनाव किया गया है उनमें विकासखंड जहानागंज की ग्राम पंचायत सलीमपुर, दौलताबाद ग्राम पंचायत धरवारा, लालगंज के बरसेरवा, कलीचाबाद व नोनीपुर नईकोट, फूलपुर के बूढ़ा कुतुब अली, पवई के मकसूदिया, हरैया के पिहार, कोयलसा के रायपुर खुरासन से शामिल है। कुल 10 पदों पर 30 प्रत्याशियों के लिए 44 बूथों पर चुनाव हुआ। कुल 23,117 मतदाताओं को अपना नया प्रधान चुनना है। आज 10 ग्राम प्रधानों के चुनाव चल रहा है, मतदान हो रहा है और सुबह 9 बजे तक 13% तक वोटिंग हो चुकी थी और काफ़ी बड़े बड़े गांव हैं जिनके यहाँ आज मतदान है और शांति व्यवस्था मुकम्मल की गई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, स्टेटिक मजिस्ट्रेट भी मौके पे हैं, तो हम लोग पूरी नज़र लगाए हुए हैं और बहुत शांति से मतदान हो रहा है। बहुत उल्लास है लोगों में, प्रधानिक चुनाव में उल्लास वैसे भी होता है, काफ़ी भीड़ होती है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया मतदान चल। कितने पदों के लिए हो रहा है सर प्रधान? 10 पदों के लिए होता हो रहा है, था तो 12 पद लेकिन 2 पद निर्विरोध हो गए।
भारतीय जनता पार्टी द्वारा 6 जुलाई को संगठन पर्व सदस्यता अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी से किया गया। इसी क्रम में आजमगढ़ में संगठन पर्व सदस्यता अभियान का शुभारंभ जिला अध्यक्ष जैना सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट चौराहा स्थित रिक्शा स्टैंड में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश मंत्री त्र्यंबक त्रिपाठी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने इस अवसर पर कहा कि जनसंघ के संस्थापक प्रखर राष्ट्रवादी, देश की राजनीति के एक सशक्त हस्ताक्षर और आज जो भारतीय जनता पार्टी का भव्य और विशाल भवन दिखाई पड़ रहा है, उसकी नींव में अपने जीवन को समर्पित करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्मदिवस के अवसर पर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने संगठन पर्व सदस्यता अभियान का शुभारंभ करने का निर्णय लिया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल जी के विचारों और उनके बलिदान से प्रभावित होकर इतने वर्षों से लाखों कार्यकर्ताओं ने भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए, भारत को विकास के शिखर पर ले जाने के लिए साधना में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हमें 17 राज्यों में 50% से ज़्यादा वोट मिले हैं। 18 राज्यों में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। उत्तर प्रदेश में भी हमें 50% से ज़्यादा वोट जनता ने दिया है। सपा बसपा ने गठबंधन किया और अहंकार के चरम पर पहुंच गए। दूसरी तरफ भाजपा का कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर, दरवाजे-दरवाजे जाकर आग्रह कर रहा था कि अब की बार फिर मोदी सरकार। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में सामान्य सदस्यता अभियान 11 अगस्त तक और उसके बाद द्वितीय चरण में सक्रिय सदस्यता अभियान चलेगा। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री हरीश तिवारी ने किया। इस अवसर पर घनश्याम पटेल, सहजानंद राय, अखिलेश मिश्रा गुड्डू, प्रेम प्रकाश राय, डॉक्टर श्याम नारायण सिंह, डॉक्टर हरीश तिवारी, रामपाल सिंह, डॉक्टर अशोक सिंह, पंकज सिंह कौशिक, हनुमंत सिंह, ऋषिकांत राय सहित अन्य वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। महंगाई पर हम कम करना चाहेंगे। आम जनता को इसमें कोई फायदा नहीं हुआ है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को पेश किया, लेकिन यह आम बजट आजमगढ़ की जनता को रास नहीं आ रहा है। लोगों का कहना है कि यह बजट गांव, गरीब और किसानों के लिए तो ठीक है, लेकिन मिडिल क्लास और व्यापारियों का ध्यान नहीं रखा गया। लोगों का मानना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 2 रुपए की वृद्धि से महंगाई बढ़ना तय है। वहीं कुछ लोग बजट को अच्छा बता रहे हैं। आजमगढ़ में पेट्रोल की कीमत बजट से पहले 70 रुपये 33 पैसे थी और डीजल 64 रुपये 1 पैसे का था। बजट के बाद पेट्रोल 72 रुपये 65 पैसे पर जा पहुंचा है तो डीजल 66 रुपये 10 पैसे का हो गया। बजट हुआ 2019 का, गरीबों के लिए अच्छा हुआ है, बड़े लोगों के लिए अच्छा हुआ है। मिडिल क्लास वालों के लिए तो मिडिले में रहेगा क्या, सबसे छोटे लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए, सबके लिए अच्छा हुआ, किसानों के लिए अच्छा हुआ। आम जनता को इसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। जो टैक्स की सिलेबस थे उसको वही रखा गया है, जबकि उसको कम करना चाहिए था। और दूसरी चीज़, बजट को किसी भी आम जनता को फ़ायदा नहीं है और टैक्स सिलेबस को भी सेम रखे हैं, लेकिन इसमें बजट से आम आदमी को बहुत दिक्कतें आएंगी। जैसे पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी हो रही है, 1-1 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, गैस में बढ़ोतरी है, लगभग सभी चीज़ों में बढ़ोतरी होती जा रही है। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है जिससे हम लोगों को बहुत उम्मीदें थी। इस बजट से हम लोग बहुत नाखुश हैं। मोदी जी ने पेश किया है बजट, एक नॉर्मल बजट की तरह पेश किया है, जिसमें कि पहले तो पेट्रोल का दाम और डीजल का दाम उन्होंने बढ़ा दिया, जो कि आम नागरिक के लिए बहुत दिक्कत का विषय हो गया है। जो पेट्रोल अब जो है हम लोग जो भी भराते तो उसमें 10-20 रुपये ज़्यादा लगेगा, तो महंगाई के ऊपर तो इन सब का सीधा प्रभाव पड़ेगा। और इस पे पेट्रोल का दाम तो बिल्कुल ही और डीजल का दाम नहीं बढ़ाना चाहिए था, इससे हर चीज़ महंगा होगा। ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि खाने पीने की चीज़ हुई, और आदमी जो इतना सफ़र कर रहा है उसमें भाड़े वाड़े की जो है, ये सारे चीज़ अब बढ़ जाएंगे। बजट में जो टैक्स का है, व्यापारियों को कोई विशेष राहत नहीं मिली है। जो टैक्स रिबेट जो पहले मिलता था वही चला आ रहा है। उनको जो है टैक्स का जो है ऐसा करना चाहिए था ताकि आदमी का जो इनकम है उस पर जो टैक्स लगता था वो अब जो है उसी स्लैब में अभी भी चल रहा है, उसको उनको बढ़ाना चाहिए था।
ताकि जो है आम आदमी को थोड़ी सी राहत मिले। बाकी मध्यम क्लास के लोगों को पर बिल्कुल ही इस बजट में ध्यान नहीं दिया गया है, जो जो कि हमारे देश की जनसंख्या में 50% से ऊपर मध्यम क्लास के लोग हैं, उस पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया गया है। अरे दिक्कतें बहुत सारी हो रही हैं पेट्रोल डीजल मांगने से। पहली बात तो ये है कि परेशानी बहुत है और इतना जैसे खर्चा बहुत ज़्यादा लग जा रहा है पेट्रोल डीजल भरने से। महंगाई कहे नहीं सर, बहुत असर पड़ रहा है, लोग परेशान हो जा रहे हैं इससे। कहना तो यही है कि जैसे कम करें थोड़ा पेट्रोल डीजल, और क्या महंगाई पर हम कम करना चाहेंगे, कम हो जाए, कम से कम में हो जाए। हाँ महंगा हुआ तो बहुत महंगाई, कैसे खाएंगे पिएंगे, कैसे रहेंगे हम लोग, कैसे चलेंगे बताइए, इतना बेरोजगारी है कैसे चलेंगे हम लोग। पेट्रोल दाम महंगा होगा तो सब चीज़ महंगा होंगी ना, फिर आना जाना सब चीज़ महंगा पड़ जाएगा ना हम लोग को लिए। आजमगढ़ में 4 दशक तक आंचलिक पत्रकारिता के प्रखर हस्ताक्षर रहे राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र रणतूर के संस्थापक संपादक स्वर्गीय धनुषधारी सिंह की 7वीं पुण्यतिथि ठंडी सड़क स्थित प्रेस कार्यालय में बुधवार को बेहद सादगीपूर्ण माहौल में मनाई गई। इस अवसर पर नगर के प्रबुद्ध वर्ग और पत्रकारिता जगत के लोग उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया। रणतूर परिवार के कृष्ण कुमार सिंह ने पत्रकार पिता के सम्मुख श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें आंचलिक पत्रकारिता का एक सजग प्रहरी बताया और उनके द्वारा किए गए अमूल्य कार्यों को याद किया। बाबूजी के सानिध्य में पत्रकारिता का ककहरा सीखे देवेंद्र सिंह ने भावुक होकर कहा कि प्रेस कार्यालय में वह सिर्फ और सिर्फ एक संपादक के रूप में होते और कहा करते थे कि यहाँ तुम्हारा पिता न होकर समाज और राष्ट्र का एक जवाबदेह व्यक्ति हूँ। किसी प्रकार की भाषाई त्रुटि अथवा विषय पर स्पष्ट लिखनी न होने पर वह पूरी कठोरता से पेश आते, तो वहीं प्यार से कमियों को सुधार का रास्ता भी समझाते। उनके सबसे छोटे पुत्र व प्रधान संपादक राजकुमार सिंह ने कहा कि वह एक दूरदर्शी सामाजिक सरोकारों से जुड़े जन पत्रकार के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। उनका मिशन पत्रकारिता और लोक कल्याण रहा, जिसे निरंतर और निर्बाध रूप से आगे ले जाना उनके जीवन का परम लक्ष्य है। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित रहे वरिष्ठ एडवोकेट शत्रुघ्न सिंह ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बाबूजी के साथ व्यतीत उन क्षणों को याद करते हुए कहा कि वह एक कुशल पारखी और शिल्पी व्यक्ति थे। उनके संपर्क में आते ही चिंतन और कलम की दिशा तय हो गई। निश्चित ही वह एक अद्भुत चरित्र और व्यक्तित्व के प्रतिमूर्ति थे। आज उनके शिक्षाएँ ही हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इस अवसर पर राम सिंह गुड्डू, आलोक सिंह, वसीम अहमद, सौरभ उपाध्याय, शिव गोविंद उपाध्याय, मिथिलेश सिंह, विनोद सिंह, धनंजय राय, संजय सिंह, संदीप अस्थाना, आशुतोष द्विवेदी एवं कार्यालय के समस्त कर्मचारी व पत्रकार उपस्थित होकर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किए। कार्यक्रम का संचालन अरविंद सिंह के द्वारा किया गया। स्वर्गीय धनुषधारी सिंह ने कहीं न कहीं इन लोगों को पत्रकारिता का ककहरा सिखाने का काम किया है। आज वह हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियाँ हमें बाध्य करती हैं कि हम उनके बताए रास्ते और उनके द्वारा लिखे गए पत्रकारिता के संबोधन को आगे बढ़ाएं। आजमगढ़ में जो पत्रकारिता है, जो उन लोगों ने आजमगढ़ पत्रकारिता में ऊंचाइयां प्रदान की है, उस पत्रकारिता को और आगे ले जाने का काम हमारे स्वर्गीय चचा श्री धनुषधारी सिंह जी की 7वीं पुण्यतिथि है। और हम लोग प्रत्येक वर्ष ये पुण्यतिथि यादगार के रूप में मनाते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में परिवार को जिस तरह से बना के रखा, बांध के रखा, और जो उनका ज्वाइंट फैमिली कॉन्सेप्ट था वह वास्तव में अतुलनीय था। आज के युग में कोई भी व्यक्ति शायद ही ऐसा हो जो परिवार के बारे में इस तरह सोचता हो। उन्होंने पूरे परिवार को बहुत ही आगे किया और वह इस बात से संतुष्ट भी थे कि उनके लगाए हुए वृक्ष फल फूल रहे हैं। हम लोग बराबर उनकी याद करते हैं,
ये नश्वर शरीर है, जाना सभी को है, इसलिए कोई कितना हो, किस बलशाली हो, चाहे धनवान हो, चाहे विद्वान हो, सभी लोगों को एक दिन जाना है। और यही एक कटु सत्य है और इस सत्य से कोई इनकार नहीं कर सकता। हम लोग यह मानते हुए कि चूंकि यह एक सत्य है, उसको स्वीकार किए हैं। ये चाचा जी का जो व्यक्तित्व था, जो उन्होंने आदर और सम्मान कमाया था, हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनके चिन्हों पर चलने का और अपनी तरफ से और सभी अन्य अपने परिवार के सभी लोगों की तरफ से श्रद्धा सुमन। जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से शनिवार को जिले के सभी कोतवाली और थानों पर थाना दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर कोतवाली में पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह पहुंचे और उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना। शहर कोतवाली में थाना दिवस पर कुल 6 मामले आए, जिनमें से 2 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। शनिवार को जो है समाधान दिवस मनाया जाता है, जिसे ये वहाँ पे लेखपाल, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, पुलिस के लोग होते हैं और जितनी भी इस तरह की समस्याएं हैं जिसमें दोनों विभाग की ज़रूरत होती है समाधान के लिए, उनको एक साथ भेज करके मौके पे ही समाधान किया जाता है। ये है।